घर बैठे निशुल्क संगीत सीखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। रियाज ऐप, एक बेहतरीन मोबाइल एप्लीकेशन जिससे घर बैठे आप हिंदुस्तानी, कर्नाटक और बॉलीवुड संगीत सीख सकते हैं। तो कूपन कोड और लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, जिससे कि आपको बेनिफिट ये होगा कि SPW के कूपन कोड से 10% आपको डिस्काउंट मिलता है। तो इसमें हर प्रकार का संगीत आपको देखने को मिलेगा, सीखने को मिलेगा। तो डाउनलोड कीजिए ये एप्लीकेशन और घर बैठे सीखिए संगीत रियाज ऐप से। राग यमन, जैसा कि अभी आपने चलन उसका देखा, एक छोटा सा स्वरूप राग यमन का। क्योंकि हम सब जानते हैं कि एक राग बहुत ही विशाल चीज़ है, बहुत बड़ी चीज़ है। और मैं ऐसा इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि आप सभी जानते हैं कि संगीत जो है कोई आज का विषय नहीं है। बरसों सदियाँ हो चुकी हैं इस विषय को ये है, और ये रागें, ये स्वर, ये चलन, ये बरसों से एग्जिस्ट करता है, यहीं पर है, इस धरती पर है। दैवीय विषय है क्योंकि, तो इसका कोई आदि नहीं है और न इसका कोई अंत है कि इन रागों का कोई अंत हो जाएगा, कि एक वक्त आएगा जब ये रागें प्रचलन में आना बंद हो जाएंगी, कि नहीं ये अब नहीं गाई जाती हैं, या फिर इनमें अब कोई गाने नहीं बनाता, या इनमें कोई गायकी नहीं करता, है ना। हमारे जो इमोशंस होते हैं उनसे इन रागों का निर्माण हुआ है। इनके नाम कहें या इनके बारे में शास्त्र जो कहें वो बाद में लिखे गए हैं, पर इनका जो चलन है वो निर्धारित है तभी से जब से इन रागों का जन्म हुआ होगा, है ना। वैसे तो मैं कह रहा हूँ, मैं खुद कह रहा हूँ कि इनका कोई आदि नहीं है, इनकी कोई शुरुआत नहीं है, तो इनका जन्म होना, मैं खुद ही को कॉन्ट्राडिक्ट करूँगा। लेकिन जन्म कहें या फिर यूँ कहें कि लोगों ने इनको पहचानना कब से शुरू किया, है ना, डिस्कवरी कब से हुई इनकी, इनकी इन्वेंशन नहीं हुई है, इनको बनाया नहीं गया, इनको डिस्कवर किया गया। ये ऑलरेडी एग्जिस्ट करती थी चीज़ें इस वातावरण में, इस नेचर में, इस प्रकृति में, ये संगीत हमेशा से रहा है। ये जो स्वर हैं ये तब भी बजे हैं जब इंसान नहीं थे, है ना, तब से ये इस वातावरण में घूम रहे हैं और हमेशा घूमते रहेंगे, गूंजते रहेंगे। लोगों ने इन्हें अडेप्ट किया, अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स दिए, अलग अलग आवाज़ें दी, अलग अलग धुनें बनाई इन्हीं रागों में से। तो आज उन्हीं रागों में से एक राग यमन, जो कि हम देखते हैं तो प्रारंभिक तौर पे हमें सिखाई जाती है, जब हम संगीत सीखना शुरू करते हैं तो हम देखते हैं कि हर
कक्षा में हर विद्यार्थी जो है प्रथम अगर रागों में से कोई राग सीखता है तो वो राग यमन है, जिसका अगर स्वरूप कहें तो तीव्र मध्यम की राग है ये। इसमें तीव्र मध्यम का प्रयोग होता है और हमारे हिंदुस्तानी पद्धति की राग है ये, और थाट कल्याण माना जाता है। इस राग का जो थाट है वो कल्याण माना जाता है, और उस कल्याण की भी प्रकृति यही है कि उसमें तीव्र मध्यम लगता है। हर ये एक आश्रित राग है, जैसे कि 10 थाट हैं हमारे, उन्हीं 10 थाटों पर आश्रित 10 रागें भी हैं, और उन्हीं 10 थाटों पर आधारित जन्य रागें भी हैं। तो जन्य तो कई हैं लेकिन आश्रित महज 10 हैं, क्योंकि 10 थाट हैं हमारे हिंदुस्तानी पद्धति के। तो उनमें से यही इकलौती है जिसको हम यमन कहते हैं, न कि कल्याण। इस पर भी छोटी चर्चा वैसे एक वीडियो में मैं कर चुका हूँ, बता चुका हूँ कि क्या यमन और कल्याण का क्या फ़र्क है, तो फिर से बता देता हूँ। वैसे तो बाकी हम ये जानते हैं कि जितने बचे हुए 9 थाट हैं उन्हीं के नामों पर आधारित बाकी की 9 रागें हैं, है ना। बिलावल, भैरवी, भैरव, काफी, खमाज, आसावरी, मारवा, पूर्वी, तोड़ी, भैरव, ये सारी है ना। मगर सिर्फ कल्याण ऐसा थाट है जिसकी राग जो हम यमन कहते हैं। तो ऐसा क्यों है, पहले तो उस पर चर्चा कर लेते हैं। कि बता चुका हूँ मैं पहले कि जब मुग़ल आए थे तब उनके साथ एक संगीतकार हमारे आए, शास्त्रकार हमारे आए, जिनको हम जानते हैं अमीर खुसरो के नाम से। और यहाँ तब संगीत का माहौल यूँ था कि ये कोर्ट जो होते थे यानी राज दरबार, वहाँ पर संगीत का काम होता था और एंटरटेनमेंट के लिए होता था। तो वहाँ प्रतिस्पर्धा भी होती थी, है ना, कॉम्पिटिशन्स होते थे कि हर जना अपनी अलग अलग कला दिखाएगा, क्योंकि कलाकार हैं बहुत सारे, तो उनमें से कौन अपनी पावर साबित कर सकता है कि हाँ मैं ज़्यादा पावरफुल हूँ, मैं ज़्यादा अच्छा गाता बजाता हूँ, है ना। वो जाहिर बात है प्रतिस्पर्धा होती थी। तो तब हमारे यहाँ जो राग हुआ करती थी वो कल्याण राग हुआ करती थी, और जो पंचम सहित है। आज जो हम यमन देखते हैं उसमें हम देखते हैं कि पंचम का थोड़ा कम प्रयोग करते हैं लोग, जबकि ऐसा है नहीं, पंचम पूरा प्रयोग आता है। ऐसा भी नहीं है कि राग यमन में पंचम अल्प है, पर हम जैसी गायकी देखते हैं उसमें पंचम अल्प कर देते हैं। वो क्यों करते हैं और वो चलन कहाँ से शुरू हुआ, उस पर हम बात करेंगे। तो जब हमारी राग कल्याण अमीर खुसरो जी ने सुनी तो उन्होंने देखा कि अब हमें भी अपना वर्चस्व साबित करना है, यहाँ पर मैं ऊँचा हूँ। तो उन्होंने हमारी राग सुनकर उन्होंने पंचम हटा दिया और राग इमन का निर्माण किया, उन्होंने इजाद करी उन्होंने राग इमन, जिसमें पंचम नहीं होता है। नीरे ग म ध नि सा नि द म ग रे ग रे नि ध नि रे ग रे सा, चलन वही है मगर पंचम नहीं है। फिर धीरे धीरे क्या हुआ कि ये इमन, जिसको आज हम यमन के नाम से जानते हैं, वो इमन धीरे धीरे चलते हुए कल्याण के साथ मिश्रित हो गई और पंचम भी लगने लगा, और चलन आज भी उसका इमन जैसा ही है। इसलिए कभी कभार हम देखते हैं कि पंचम हम थोड़ा सा स्किप कर रहे हैं, जबकि नहीं होना चाहिए ऐसा, है ना। जैसे हम देखते हैं ग म ध नि, पंचम हटा दिया हमने, अल्प ले लिया, ग म ध नि सा, है ना, म प ध नि सा नि ध प म ध प म ग रे ग। जब हम आरोहात्मक जाते हैं तो ग म ध नि सा ऐसे चले जाते हैं, जबकि एग्जैक्टली ये सही नहीं है। कभी कभार ठीक है पर हर बार ठीक नहीं है। तो यमन पे इतनी चर्चा मैं कर चुका हूँ, यमन पे आपको बता दिया मैंने। उसकी कुछ स्वर संगतियाँ हैं जिसको हम देखें तो सबसे पहली इसकी जो खूबी है वो ये है कि शायद इसका जो वादी संवादी है वो ग और नी है। गंधार इसका वादी है, वादी स्वर वो जिस पर राग का टिकाव अधिक होता है, और संवादी वो जिस पे वादी से कम और दूसरे स्वरों से ज़्यादा होता है। तो गंधार इसका वादी है और निषाद इसका संवादी है, है ना। और इसका जो समय है वो सायंकाल का है, रात्रि का प्रथम प्रहर है, यानी कि 7 बजे के बाद का, जब सूर्य अस्त हो चुका है हम मानते हैं, तब इस राग का जो चलन है, जो गायकी है, वो शुरू होती है। तो हम जानते हैं कि इसकी जो प्रकृति है वो ऐसी ही है कि जब सायंकाल हो जाए, जब सूरज डूब जाए, जब शाम का वक्त हो, तब इसका जिक्र होता है। तो हम देखते हैं कि इसमें जो कंपोजिशंस बनती हैं, उनके जो शब्द हैं, उनके जो लफ्ज़ हैं, वो भी कुछ इसी प्रकार के होते हैं। और वो क्यों होते हैं, क्योंकि हमेशा कहा है मैंने कि जो धुन बनती है वो शब्दों के अनुसार बनती है। तो हम शब्द पर जो शब्दों के जो भाव होते हैं उसी अनुसार हम स्वर दे देते हैं। तो हम अक्सर देखते हैं कि शाम के वक्त का अगर कहीं जिक्र हुआ है तो हम इस राग का प्रयोग करते हैं। आगे हम देखेंगे और भी गाने भी देखेंगे इसमें और गज़लें भी देखेंगे जो इसमें हैं, पर हम अभी कुछ स्वर संगतियाँ अगर देखें यमन की तो वो ये है कि ये निषाद से शुरू होती है, षड्ज से शुरू नहीं होती। अगर इस राग का शुरुआत करें तो सा रे ग ऐसे शुरू नहीं होगी, नी रे ग, और ऋषभ जो है वो गंधार के टच से आता है, नी रे ग ग रे नी ध नी रे ग रे सा, ये कुछ स्वर संगतियाँ हैं, नी रे ग नी ध नी रे ग
गरे निध ध नि रे ग नि ग रे सा, इन्हीं में घूम रहे हम, ध से नी, नी से ग, ग से रे, इन्हीं स्वरों में। फिर मध्यम लगाएंगे नि रे ग रे नि रे ग म ग नि रे ग म प प म रे ग ग रे नि रे ग म प प रे ग। ये संगत संगति भी आती है पंचम से सीधा सीधा ऋषभ। प रे ग ग रे म ग रे नि ध सा, ये कुछ इसका चलन है। ग म ध नि ध प म रे ग नि रे ग रे ग म ग म ध म ध नि म ध नि ध प म ध नि धने सा सनी ध सनी प म रे ग ग रे नि ध नि रे ग रे सा। तो ये कुछ उसका चलन है।